Dear students, today my topic is spermatogenesis. Spermatogenesis, it is of the formation of sperm from germ cells in the male testes. It occurs in the following phases. Iske char phases hai. Number first phase is the multiplication phase. Jo ye spermatogenesis hai, ye kya hoti hai? इसमें जो जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल से डेवलप होती है सुपरमेटोगोनिया। जो सुपरमेटोगोनिया होता है ये 2N होता है। ये जर्म सेल में जो जब जर्म सेल मल्टीप्लाई होती है, इसमें हर जर्म सेल में दो सेलें बन जाती है, उन हर एक सेल को कहते हैं सुपरमेटोगोनिया। हर स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये 2N होता है। हाँ, इट और दिस स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, जो ये स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है जर्म सेल से, इट ऑकर्स इन द फॉलोइंग फेजेस। ये चार फेजों में होते हैं। पहला फेज जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो जो जर्म सेल्स होते हैं, टेस्टिस कंटेनस इस टेस्टिस में होते हैं सिमिनिफेरस ट्यूबुल्स विच आर लिनर्ड बाय जर्म सेल्स। टेस्टिस में होते हैं जर्म सेल्स अंडरगोज माइटोसिस एंड फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। इसी जर्म सेल्स से बन जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होता है? ये डेवलप होता है जर्म सेल्स से। और जर्म सेल्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं टेस्टिस में। यहां पर हम आ जाते हैं, जब जर्म सेल में ग्रोथ होती है तो स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है। ये स्पर्मेटोगोनिया 2N होता है, फिर इसकी ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ में इस स्पर्मेटोगोनिया में भी ग्रोथ होती है, ये बन जाता है 2N। इसमें भी एक सेल 2N है, दूसरे भी 2N है। फिर इसमें हो जाती है ग्रोथ हो जाती है, फिर इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर अगेन 2N होती है। तो यहां पर आ जाएंगे हम। दिस स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये मल्टीप्लाई होता है। यहां पर भी एक इसको बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और यहां पर भी। और फिर इन स्पर्मेटोगोनिया को ग्रोथ हो जाती है। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज ग्रोथ एंड इनलार्जेस। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ये ग्रोथ करता है, इनलार्ज हो जाता है, फॉर्म प्राइमरी ओसाइट। फिर ये बनाता है प्राइमरी ओसाइट। ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, ये ग्रोथ करता है। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हो जाती है। ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट ईच अंडर मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है 2N होता है, अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट। ये मियोसिस फर्स्ट में चला जाता है टू फॉर्म टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है विच आर हैप्लॉयड। जो हैप्लॉयड होती है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन अंडरगोज मियोसिस सेकंड टू फॉर्म स्पर्मेटिड्स। जो यहां पर जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये 2N है। इसमें मियोसिस फर्स्ट हो जाती है। यहां पर इसको एक सेल बन जाती है, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और दूसरी भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को फिर इसको भी चार सेल बन जाती है, और इसको भी चार सेल बन जाती है। उन चार सेलों को कहते हैं सुपरमेटिडस। ये भी 1N होती है, ये भी 1N होती है, ये भी 1N होती है, ये भी 1N होती है। और जहां तक ये मियोसिस फर्स्ट और सेकंड का ताल्लुक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये मियोसिस फर्स्ट हो जाती है और सेकंड हो जाती है।
जो प्राइमरी फिर यहाँ पर मेयोसिस फर्स्ट और सेकंड हो जाओ, ये मेयोसिस फर्स्ट है, यहां पर भी इसमें एन बन जाते हैं, इसमें भी एन बन जाते हैं, यहां पर ये टू एन था। हाँ, यहां पर ये टू एन था, अब इसमें यहां पर भी वन एन बन गया और वहां पर भी, ये रिडक्शनल डिवीजन है। और फिर इसमें भी प्राइमरी सुपरमेटोसाइट में पहले एक सेल बन जाता है सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, ये भी सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट। दूसरा जो डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, यहां पर भी एन हो जाता है, यहां पर भी एन हो जाता है, यहां पर भी एन हो जाते हैं। और यहां पर फिर हम बताने जा रहे हैं कि मेयोसिस फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है। ईच प्राइमरी प्राइमरी सुपरमेटोसाइट जो होता है अंडरगोज मेयोसिस फर्स्ट टू फॉर्म सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट एन विच आर हैप्लॉयड, जो हैप्लॉयड होता है, एक सेट क्रोमोसोम का होता है। ईच सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट एन अंडरगोज मेयोसिस सेकंड टू फॉर्म टू सुपरमेटिड्स, ये यहां पर टू सुपरमेटिड्स बन जाते हैं, ये यहां इसके भी दो सुपरमेटिड्स बन जाते हैं और इसके भी दो सुपरमेटिड्स बन जाते हैं। हाँ, दस टू सुपरमेटिड्स दस फॉर्मर्स, ईच सुपरमेटिड इज हैप्लॉयड, ईच सुपरमेटिड इज हैप्लॉयड। दस ज्यूरिंग मियोसिस ए डिप्लॉयड प्राइमरी सुपरमेटोसाइट डिवाइड्स टू फॉर्म फोर हैप्लॉयड सुपरमेटिड्स, हाउ दिस दिस इज द सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, दिस इज द सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, दिस इज द सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट वन, जो दिस इज अगेन ए सुपरमेटोसाइट, इसमें भी चार बन जाते, एक दो तीन चार। और यहां पर नतीजे के तौर पर हर एक प्राइमरी सुपरमेटोसाइट में, दस ज्यूरिंग मियोसिस ए डिप्लॉयड प्राइमरी सुपरमेटोसाइट डिवाइड्स टू फॉर्म फोर हैप्लॉयड सुपरमेटर्स, इसमें चार सुपरमेटर्स बन जाते हैं हर एक प्राइमरी सुपरमेटोसाइट, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट जो होते हैं इसमें, या ये प्राइमरी सुपरमेटोसाइट है, इसमें भी चार बन गए, इसमें भी चार बन जाएंगे। फिर जो ये जो पहला फेज था, जो मल्टीप्लिकेशन फेज था, सेकंड जो था ग्रोथ का था, थर्ड का जो था मियोसिस फर्स्ट और सेकंड था, फिर है सुपरमियोजेनेसिस। सुपरमियोजेनेसिस जो है, सुपरमियोजेनेसिस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सुपरमेटिड्स इनटू सुपर मेटोजोआ इज कॉल्ड सुपरमियो सुपरमियोजेनेसिस। ज्यूरिंग सुपरमियोजेनेसिस सुपरमेटिड्स शेड साइटोप्लाज्म, डेवलप्स मिडल पीस एंड फॉर्म एक्सल फिलामेंट ऑफ द एक्सल फिलामेंट ऑफ द टेल, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटोजोआ। फिर इसमें सुपरमेटोजोआ बन जाते हैं। सुपरमेटोजोआ क्या करता है, सुपरमेटोजोआ रिमेन्स अटैच विद द सिरोटी सेल्स, ये सिरोटी सेल्स के साथ अटैच रहते हैं टू एब्जॉर्ब नोरिशमेंट फ्रॉम देम, इनसे ये नोरिशमेंट हासिल करते हैं। मैं फिर बताने जा रहा हूं जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसमें क्या होता है। इसमें जो जर्म सेल होती है, ये जर्म सेल डिवाइड होती है स्पर्मेटोगोनिया में, ये गोनिया भी दो डिप्लॉयड होता है, ये गोनिया भी डिप्लॉयड होता है, फिर इसमें ग्रोथ हो जाती है। इस स्पर्मेटोगोनिया में भी ग्रोथ होती है, इसमें भी ग्रोथ होती है, ये भी टू एन होता है, ये भी टू एन होता है। हम यहां पर एक लेते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया, इस सुपरमेटोगोनिया को बन जाता है सुपरमेटोसाइट, ये सुपरमेटोसाइट टू एन होता है, फिर इस सुपरमेटोसाइट को मियोसिस फर्स्ट हो जाती है, ये है मियोसिस फर्स्ट। यहां पर फर्स्ट मियोसिस में क्या होता है, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट को दो सेल्स बन जाते हैं, सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट एक, सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट दो, ये भी वन एन होती है, ये भी वन एन होती है, फिर इसको भी चार सेल बन जाती है और इसको भी चार सेल बन जाती है। ये जो जब इसको चार
अब प्राइमरी सुपरमेटोसाइट को सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट बन जाती है, इसको कहते हैं मायोसिस फर्स्ट। इस मायोसिस फर्स्ट में जो सेकेंडरी प्राइमरी सुपरमेटोसाइट को सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट बन जाती है, इस सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट को फिर चार सेल्स बन जाती है, उन चार सेल्स को कहते हैं सुपरमेटिड्स, एक दो तीन और चार। इन सुपरमेटिड्स को जब बन जाती है सुपरमेटोजुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं सुपरमियोजेनेसिस। यहां पर सुपरमियोजेनेसिस जो है, सुपरमियोजेनेसिस में सुपरमेटेड एक सेकेंडरी, जो एक सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट होती है, इसमें चार सेल बन जाती है। और इसमें रिजल्ट क्या हो जाता है कि सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट जो यहां पर है, इसमें जो चार सुपरमेटेड बन जाते हैं, चार सुपरमेटेड को चार सुपरमेटोजुआ बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सुपरमेटोजेनेसिस। नाउ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सुपरमेटोजेनेसिस की ये सिग्निफिकेंस है, इट मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड सुपर्म। दिस वाज अबाउट द सुपरमेटोजेनेसिस। थैंक्स।